हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट सेल जो हमारा बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल सेल होता क्या है, यहाँ पे कैथोड और एनोड क्या है और कैथोड और एनोड पे किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि फ्यूल सेल होता क्या है। देखिए, ये एक सेल है या एक डिवाइस है जो क्या वर्क करता है, जो हम अब देखिए इसमें फ्यूल दे रखा है, यानी जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल के कंबर्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबर्शन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के कंबर्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किसके अंदर कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। तो फ्यूल सेल का मतलब वो एक ऐसा सेल या एक ऐसी डिवाइस जो किस टाइप की एनर्जी को, जो एनर्जी फ्यूल्स के कंबर्शन से प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को बोला जाता है फ्यूल सेल। फ्यूल्स मतलब आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की बर्निंग से, ठीक है, मीथेन हो गया, या क्या है आपके पास, मान लीजिए मीथेनॉल है, तो कोई भी आपके पास फ्यूल है उनके कंबर्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल कन्वर्ट करते हैं उन सेल्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फ्यूल सेल। काफ़ी सारे होते हैं फ्यूल सेल, लेकिन जनरली हम जिसको स्टडी करते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है, दैट इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डिजाइन है, क्या होता है इसके अंदर, क्या सेल है ये, क्या ऑपरेटर्स है। देखिए, इसके अंदर चैम्बर है ये, जो इसमें क्या है, ये सबसे पहले तो मैंने दो प्लेट्स लगा रखी है, क्या है ये, दीज आर प्लेट्स हैं, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप पोरस बोलते हैं। तो इस साइड जो मैंने लगा रखी है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में या गैल्वेनिक सेल्स में एनोड होता है, आपको पता है। एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होती है, कैथोड होती है। तो ये क्या है, इट इज द एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, मीन्स कार्बन की ये दोनों ही रोड्स हैं, पोरस है, मीन्स इन दोनों के अंदर छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट है, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप पोरस बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्बन की रोड्स हैं, लेकिन इसके साथ क्या प्रेजेंट है, कौन है कार्बन रोड्स में, सुटेबल कैटलिस्ट हैं, और ये कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं, प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर फिल करवाया जाता है कंसंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जो सेंट्रल आपको पार्ट या चैम्बर दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट और चैम्बर कंटेन्स कंसंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एक आउटलेट बना हुआ है किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन वाटर की होनी है। एंड विद दिस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने वाली डिवाइस क्या है, ये हमारे पास में फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, सो इट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन मींस H2O2, बीच में देखिए डैश लगा रखा है, फ्यूल सेल, ठीक है। अब ये दो इनलेट्स हैं यहाँ पे, इट इज द इनलेट फॉर हाइड्रोजन एंड इट इज फॉर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के लिए इनलेट है यहाँ पे, और ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या आउटलेट किसके लिए है, वाटर के लिए है, वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इस वाली रोड के पास या इस इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बिहेव्स एज एनोड हेयर एंड ऑक्सीजन बिहेव्स एज कैथोड हेयर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोलूँ आपको कि एनोड कौन है या हाइड्रोजन है, और कैथोड कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस भी होने हैं, चलिए रिएक्शंस देखते हैं क्या होते हैं एट एनोड। एनोड पे आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करती है, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, दोनों में से चाहे कोई भी आप लीजिए, KOH ले लीजिए या NaOH, दोनों के अंदर क्या मिलेगा आपको, NaOH मिलेगा, तो वहां से OH नेगेटिव ये क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, और फॉर्मेशन किसकी करते हैं, यहाँ पे मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं वाटर की, प्लस
साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी फॉर्मेशन होती है. क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन दिखाया. और बेसिकली देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयंस का यूज होता है, और इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगी. तो ये रिएक्शन होता है आपका कहाँ पे, एनोड के ऊपर एट कैथोड. इसी तरह से कैथोड पे भी रिएक्शन होगा. अब कैथोड देखिए क्या है, कैथोड मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन. अब रिडक्शन की प्रोसेस है, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है उन्हीं का ही यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा. लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी सेल्स और बैटरीज के केस में बता रखा है कि जो वाटर होता है, वाटर भी यहाँ पे साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है. ठीक है, और फॉर्मेशन यहाँ पे किसकी कराता है, OH नेगेटिव की. OH नेगेटिव बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 4 OH नेगेटिव की ही फॉर्मेशन होगी. आप क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए. जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 4 OH नेगेटिव आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर में कितने लगा दूं, 2. ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई. इस तरह से यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड दोनों के क्या मिल गए हैं, रिएक्शंस मिल गए. अब एनोड और कैथोड के रिएक्शन तो हो गए, अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन, तो आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं. क्या करना है हमें, हमें एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड अप करके लिखना है. देखिए किस तरह से ऐड अप होगा, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करें, 2H2+4OH नेगेटिव, ठीक है, प्लस O2+4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी हैं. क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 4 OH नेगेटिव, जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए, OH नेगेटिव गया है यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए. राइट साइड में 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, लेफ्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो कंबाइन करके मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2H2+O2 विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है. कई बार क्या होता है, बैलेंसिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, या आपको अगर इस इक्वेशन को चेक करना है कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, देखिए वाटर बना रहे हैं. तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है, जो ओवरऑल रिएक्शन है, वो तो यही रहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, वाटर की. बाकी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये आपके पास क्या है, रिएक्शंस है जो एनोड और कैथोड पे होते हैं इन केस ऑफ फ्यूल सेल. बहुत सिंपल है. तो अब देखिए फ्यूल सेल्स को तो आपने स्टडी कर लिया कि फ्यूल सेल होते क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को आपने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया. लेकिन फ्यूल सेल के क्या है, कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. आइए डिस्कस करते हैं उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल. कि फ्यूल सेल क्या क्या एडवांटेजेस है फ्यूल सेल्स की. फर्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज फ्यूल्स आर सप्लाइड. अब इसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए आपने इनलेट वहां पे दिखा रखा है. मीन्स जब तक आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते रहेंगे, सप्लाई करवाते रहेंगे उनकी, ठीक है, फ्यूल्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज आप उनको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तब तक आपका सेल क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा और ये सेल डेड नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है. द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज 70%. एंड लास्ट एडवांटेज इज दैट इट डू नॉट कोज पोल्यूशन. और यहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, थर्मल प्लांट्स से भी आप लोगों ने स्टडी कर रखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, वो पोल्यूशन का भी कोज होता है. ठीक है, तो लेकिन जो हमारा फ्यूल सेल है वो कोई पोल्यूशन कोज नहीं करते हैं. तो इस तरह से देखिए आपके पास मेन एडवांटेजेस आ जाती हैं फ्यूल सेल की. जहाँ एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं. देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट वन इज दैट कैटालिस्ट यूज्ड हियर आर एक्सपेंसिव. हम यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कैटालिस्ट यूज जनरली आर प्लैटिनम एंड पैलेडियम. प्लैटिनम या पैलेडियम का हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड दीज कैटालिस्ट आर एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव कैटालिस्ट का आप यूज कर रहे हैं सेल के अंदर, इट मीन्स जो हमारा फ्यूल सेल है वो क्या हो जाएगा, वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो फ्यूल सेल बिकम्स टू एक्सपेंसिव. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यूज किए जाने वाले कैटालिस्ट भी तो एक्सपेंसिव है. सेकेंड डिसएडवांटेज इट इज नॉट ईजी टू स्टोर गैसियस फ्यूल्स. यहाँ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं.
ठीक है, लेकिन उनको स्टोर करके रखना, गैसियस फ्यूल्स को स्टोर करके रखना इजी नहीं होता. हमें सबसे पहले उनका क्या कराना पड़ता है, उनका लिक्विफिकेशन करवाना पड़ता है. क्या करवाना होता है हमें गैसियस फ्यूल्स का, लिक्विफिकेशन. और आपको पता है दैट लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर. फिर अगर हम गैसियस फ्यूल्स का लिक्विफिकेशन करवा रहे हैं तो उसके लिए बहुत लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. तो ओवरऑल देखा जाए तो गैसियस फ्यूल्स को स्टोर करना इजी नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस दैट NaOH एंड QH, इनका भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं. दोनों के दोनों कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी उसकी क्या है, डिसएडवांटेज है. तो फ्यूल सेल्स की जहाँ एडवांटेजेस भी हैं वहीं उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. देखिए एक और इम्पोर्टेंट फ्यूल सेल है, दैट इज द अल्कलाइन फ्यूल सेल, AFC जिसको हम बोलते हैं. अल्कलाइन फ्यूल सेल जिसको बकवॉन सेल भी बोला जाता है, इसको यूज किया गया था स्पेस शटल में, ठीक है, फॉर एक्सप्लोरेशन इन द मून. यहाँ पे मीन्स जो आपके पास फ्यूल सेल्स हैं उनका इस तरह से भी यूज किया जाता है. और इस मिशन को लॉन्च किया था किसने, नासा ने लॉन्च किया था इसको 1960 में. ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं आपसे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फ्यूल सेल कंप्लीट हो गया है.